नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का वाईफाई स्टूडियो चैनल पर। और मैं हरिंदर सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त हैं। तो आज संडे को हम लोग 1 बजे क्लास लेते हैं, बाकी के दिन अभी 3 बजे की क्लास नहीं चल पा रही है। तो कोई बात नहीं, तो अभी मैंने नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं आज से, और ये टॉपिक अब लगातार मैं पढ़ाऊंगा। पर डे का टाइमिंग अलग रहता है, संडे का टाइमिंग अलग रहता है, आप सभी को पता है। तो देखिएगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी के लिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ होता है। और 1 बजे मेरा क्लास करने का मतलब सिर्फ एक है कि 12:50 पर टेस्ट फिनिश होता है, और उस टेस्ट का वीडियो रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है जो अनअकैडमी पर होता है। और मैथ का लेवल आपको ठीक ठाक लगा होगा और आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको उस लेवल तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैथ का टेस्ट ऐप को डाउनलोड करके हर संडे आप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 10 मैथ, 10 इंग्लिश, 10 रीजनिंग, 10 जीके जीएस। 10 मैथ, 10 इंग्लिश, 10 रीजनिंग, 10 जीके जीएस, 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन 50 मिनट, 10-10 करके आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, और बाइलिंगुअल पेपर है तो आप इस सारे बच्चे इस पेपर को दिया करो, संडे को 12 बजे ये टेस्ट होता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। उससे पहले मैं प्लस वाले बच्चों के लिए बता दूं, 15 तारीख से मेरा प्लस पर कोर्स लॉन्च हो रहा है बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ इन द सेंस कि जो रेलवे लेवल है, एसएससी लेवल है, एसएससी मेंस लेवल है, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप क्लास लेवल तक। और वहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करने वाला हूं किस कहानी को। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मैं इस महीने में आपको पढ़ाऊंगा। तो लाइव एचएस कोड लगाकर जो बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं ज्वाइन, उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहा हूं, तो आप सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा, एक ही मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद अपन चीजों को शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए चीजें अपलोड कर देता हूं, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास क्वेश्चन। बोट स्ट्रीम के बेसिक्स आपको आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास होगी, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं, लेकिन हर बच्चे को बहुत बढ़िया लगेगा आज हम लोगों से पढ़ना, सुनना, देखना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भाई मेरे। एक ही मिनट का वेट करेंगे, मैं आप लोगों के लिए तैयार कर देता हूं तब तक क्लास। और 1 घंटे की क्लास है, कोशिश करना आप लगातार मेरे साथ जुड़ें, चीजों को पहचानें और आगे बढ़ें। आइएगा जी, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, पहले चीजों को बहुत ध्यान से समझना। पहले 10 मिनट में आपको टॉपिक का बेसिक बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही टॉप क्लास के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर टॉपिक का बेसिक बता दो। अब नहीं, आज मैं टॉपिक का बेसिक बता रहा हूं आपको। 8 दिन ये टॉपिक चलेगा, 8 डेज, और 8 दिन के अंदर इस टॉपिक का कंप्लीशन, चाहे आप एसएससी प्री दे, एसएससी मेंस दे, पटवारी दे, ग्रुप डी दे, एनटीपीसी दे, बैंक क्लर्क दे, बैंक पीओ दे, कुछ भी सीडीएस दे, कोई जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा वो टॉपिक पूरा ढंग से ही प्रिपेयर होगा। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक होता है मैन की स्पीड और एक होता है वॉटर की स्पीड। अब जिधर नदी बह रही है, अगर उधर ही आदमी तैरना चाहता है, जिधर पानी जा रहा है, अगर आदमी उधर ही तैरना चाहता है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। हिंदी के अंदर इसी वर्ड का नाम लेते हैं धारा की दिशा। हिंदी के अंदर इसी वर्ड का नाम लेते हैं धारा की दिशा, डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा। तो
डाउनस्ट्रीम जिधर नदी बह रही है उधर ही अगर आदमी बहना चाहता है, तैरना चाहता है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा। और धारा की दिशा में हमेशा ध्यान रखो दोनों ही स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, मैन प्लस वाटर। अब अगली बात है अपर स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। अपर स्ट्रीम क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा यानी कि जिधर पानी बह रहा है आदमी उसका अपोज करना चाहता है, पानी के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो किसी के खिलाफ खड़ा होना इतना आसान बात नहीं है। दोनों तरफ से भारत के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जब लड़ाई होती है, एक दूसरे से टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो दोनों तरफ से ताकत कम होती है। क्यों? इधर के भी कुछ सैनिक शहीद होते हैं, उधर के भी कुछ सैनिक शहीद होते हैं। इधर का गोला बारूद भी खराब होता है, उधर का गोला बारूद भी खराब होता है। दोनों तरफ का गोला बारूद खराब है, दोनों तरफ के सैनिक खराब होते हैं, यानी दोनों तरफ की सैन्य शक्ति कमजोर होती है। तो एक दूसरे के सामने जब कोई खड़ा होता है तो दोनों तरफ पावर कमजोर पड़ती है। तो पावर कमजोर कब होती है? प्लस होकर कभी भी पावर कमजोर नहीं हो सकती। तो पावर कमजोर होने के लिए होता है मैन माइनस वाटर, मैन माइनस वाटर। तो ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। अगर धारा की दिशा है तो मैन प्लस वाटर, अगर धारा की विपरीत दिशा यानी अपर स्ट्रीम है तो मैन माइनस वाटर। ये दो बात होनी चाहिए। अब क्या करेगा? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आदमी की चाल पानी से हमेशा ज्यादा होती है। आदमी की चाल पानी से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी भी वाटर माइनस मैन नहीं आ सकता, मैन माइनस वाटर आता है। कभी भी वाटर माइनस मैन नहीं आ सकता, मैन माइनस वाटर आता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो आदमी की स्पीड पानी से हमेशा ज्यादा होती है। तो भाई मेरे, जब भी आपको आदमी की स्पीड निकालनी हो, या तो वो लिखेगा मैन, या भाई मेरे वो बोलेगा बोट। जब भी वो मैन या बोट बोल दे तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अपर स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू, डाउन स्ट्रीम माइनस का अपर स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू। जब भी वो बोलता है वॉटर या वो बोलेगा धारा, धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट, पानी, पानी मतलब वॉटर, धारा, धारा मतलब करंट, पानी या करंट की बात करता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का ये कम है, तो कम वाले की जब भी निकालनी है तो माइनस करके डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टू, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय टू। अगर मैन की स्पीड निकालनी है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दो, और अगर वाटर की स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस करके दो से भाग कर दो। क्लियर है बात? एक चीज और मैं बता दूं और उसके बाद मैं क्वेश्चन से शुरू करवाऊंगा। नोट में एक बात और लिखवा देता हूं मैं, आप बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट में। शांत वाटर में आदमी की चाल से, शांत पानी में आदमी की चाल से, शांत पानी में आदमी की चाल से जितनी अधिक दे रखी है, आदमी की चाल गिवन है
जितनी अधिक आदमी की चाल गीवन है, शांत पानी में आदमी की चाल से जितनी अधिक आदमी की चाल गीवन है, वो आदमी की चाल से शांत पानी में आदमी की चाल से धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जितनी अधिक आदमी की चाल गीवन है, वो अंतर पानी की चाल होती है। हो सकता है ये पहली लाइन आपको पूरा ढंग से पर भी पूरी समझ नहीं आए, वो पानी की चाल होती है। अभी समझाता हूं, पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो। वो पानी की चाल होती है, ये मैंने बोला है कि शांत जल में मैं क्या बोलता हूं, इसका कंसेप्ट क्लियर करो। मैं कहता हूं सर शांत जल में आदमी की चाल है 10। कंसेप्ट क्लियर करो, शांत जल में आदमी की चाल है 10। जब वो धारा की दिशा में तैरने लगा तो उसकी चाल हो गई 13। जब वो धारा की दिशा में तैरने लगा तो उसकी चाल हो गई 13। शांत जल में आदमी की चाल है 10 और धारा की दिशा में चाल है 13। शांत जल में है 10 और धारा की दिशा में है 13। तो भैया मेरे, शांत जल से जितना ज्यादा, शांत जल से जितना ज्यादा दे रखी है, जो ये ज्यादा वाला स्टेप है ना, ये हमेशा पानी का है। ये जो ज्यादा वाला स्टेप है ये हमेशा पानी का है। तो 13 में से 10 जाएगा, ये पानी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि शांत जल में जो आदमी की चाल है और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जितनी अधिक है, धारा की दिशा में जितनी चाल दे रखी है, जितनी आदमी की चाल गीवन है, वो अंतर पानी की चाल होती है। शांत जल में जो गीवन है और धारा की दिशा में जो गीवन है, उनका जो डिफरेंस है भैया मेरे, डिफरेंस वही, जो वही पानी की चाल होता है। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझाने में मैं कामयाब रहा। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, एक 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 स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है तो इनको मैं हटा देता हूं और सीधा बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज को एक बार नोट देख लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा यहां से। एक बार इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा जी, अब आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लीजिएगा। एक तैराक धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर, तो स्थिर जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल मतलब मैन की स्पीड बतानी है। आदमी की स्पीड हमेशा पानी से ज्यादा होती है, आपको इस बात का पता है। तो मैन की स्पीड जब भी बतानी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। मैन की स्पीड जब भी बतानी है तो 14 + 6 20 और 20/2, 14 + 6 20 और 20/2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20/2 तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो दोस्तों, बोलो। 14 और 6 20 और 20/2 10 आ जाएगा। आंसर सारे के सारे बच्चे देना, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कराऊंगा, पूरा ढंग से किसी भी टॉपिक को पूरा करेंगे, तुम्हें पता चलेगा पूरे ढंग से कैसे पढ़ा जाता है। आ जाओ जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ भैया सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ रे। ये लीजिएगा, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में उस व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपोजिट डायरेक्शन में उस व्यक्ति की चाल भैया मेरे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 4 4 है, विपरीत दिशा में 2 है। शांत जल में भैया मेरे 4 है और अपोजिट डायरेक्शन में भैया मेरे 2 है। शांत जल में 4 है और अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों मेरी 2 है। तो शांत जल से अपोजिट डायरेक्शन
या सेम डायरेक्शन का जो डिफरेंस होता है वही पानी की चाल है। तो इनका डिफरेंस कितना है? दो है। तो इनका डिफरेंस दो है, तो भैया मेरे अभी अभी सिखाया था कि जो स्टिल वॉटर है शांत जल से, चाहे वो धारा की दिशा बोल दे चाहे वो धारा की विपरीत दिशा बोल दे, तो जो डिफरेंस होता है वो पानी की वजह से क्रिएट होता है, तो पानी का आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, आइएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस में अपना कंसेप्ट के फंडे क्लियर कर दें। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, और विपरीत दिशा में उसने बोला भैया मेरे विपरीत दिशा में एक व्यक्ति की चाल है भाई मेरे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में भैया मेरे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में 7 है, विपरीत दिशा में 2.5 है, 7 से 2.5 होना भाई मेरे, 7 से 2.5 होना, तो 7 से 2.5 होना तो कितने की डिफरेंस आ गया? डिफरेंस आ गया 4.5 का, डिफरेंस आ गया भैया मेरे 4.5 का। तो जो शांत जल से चाहे धारा की दिशा में से धारा की विपरीत दिशा में जो अंतर है वही पानी की चाल होती है, तो मतलब पानी की स्पीड आ गई, ये वाटर की स्पीड आ गई दोस्तों 4.5। लेकिन इस बार उसने पानी की नहीं पूछी, उसने मुझे बोला धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी शांत जल की चाल मैन की स्पीड 7 और प्लस में वॉटर की स्पीड 4.5, और 7 और 4.5 अगर मैं जोड़ दूंगा तो भाई मेरे आंसर मेरा आ जाएगा 11.5। कितना फर्स्ट क्लास और टॉप क्लास और गजब क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास गजब क्वेश्चन, बोलो भैया 11.5। बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये मत सोचना कि सर आज ही सब कुछ हो जाए। ये मेरा दावा है कि 8 दिन के बाद तुम्हें इस एग्जाम के अंदर, मतलब किसी भी एग्जाम में, इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, कि आप अपने दोस्तों को चैलेंज दे सकते हैं कि भैया इसका आंसर अगर आपने निकाल दिया तो हम आपको ये इनाम देंगे। तो ऐसे इनाम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब जिसको कहते ना कि बहुत बढ़िया लेवल, तो बढ़िया लेवल भी आएगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा, पहले आपको मेरे साथ साथ चीजों को समझना पड़ेगा। एक तैराक धारा की दिशा, धारा की दिशा के अंदर 6 घंटे में 36 किलोमीटर, और मुझे पता है टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम निकाला जाता है भाई मेरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकाला जाता है भैया मेरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस 36 है और स्पीड मेरी, ये टाइम तो स्पीड निकालनी है ना अपने को, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक जगह कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 6, और 36 डिवाइडेड बाई 6 तो भैया मेरे ये स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली बार आएगा 40 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 8, और 40/8 तो भाई मेरे कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये डायरेक्शन के अंदर धारा की दिशा में, ये अपोजिट डायरेक्शन में धारा की विपरीत दिशा में। तो अब कह रहा है कि तैराक की स्पीड बतानी है शांत जल के अंदर, एक बार आपको दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड, एक बार आपको दे रखी है सेम डायरेक्शन की स्पीड। अगर मुझे स्टिल वॉटर में तैराक की चाल बतानी है, मैन की चाल बतानी है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर 2, अभी अभी सिखा के आया था मैं, तो 6 और 5 11, और ये आ जाएगा सर 11/2, और 11/2 का मतलब कितना हो गया 5.5। बोलो भैया अगर तुम्हें ये बात क्लियर है तो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, एक एक फंडा एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हर बच्चा बहुत आराम से बहुत आसानी से इसका आंसर दे रहा है। सर आपका हस्तलेख बहुत सुंदर है, थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन कट रहे हैं, चलो जी मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को कटने नहीं देंगे, टेंशन ना लो, ये लीजिएगा ठीक है। क्या इतना क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्या? और ये क्वेश्चन आप देख नहीं पा रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, बस ये लो जी अब देख लेंगे, ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन कम कर दिया है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन कटेगा नहीं, पूरा पूरा क्वेश्चन आ रहा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है,
भाई मेरे 42 मिनट में, तो 14 किलोमीटर 42 मिनट है। अब भी अभी आपको सिखाता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर को आवर में, इसको आवर में कन्वर्ट करो, 42/60, और ये जो 60 है ये चला जाएगा ऊपर, 60 चला जाएगा ऊपर, तो 14 से जाएगा 3 बार, और 14 से जाएगा 3 बार, तो 3 से जाएगा 20 बार। तो भैया मेरे जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, वो आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर 42 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, 60 से भाग दे दो, 14 तिया 42, 3 से कटेगा 20 बार, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी तरफ अब ये कह रहा है कि धारा की चाल है 7। भाई मेरे ये जो है ना, ये धारा की दिशा में है, धारा की दिशा के अंदर क्या होता है, मैन विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, मैन माइनस वोटर, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैन माइनस वोटर 20 के बराबर दे रखा है। मैन माइनस वोटर अगर 20 के बराबर है तो आपका ये कहना है पानी की चाल है 7। अगर पानी की चाल अगर 7 है तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, नाव की चाल है तो मैन एम हटाकर बोट लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वोटर की स्पीड अगर 7 है तो बोट कितना बन जाएगा, यानी ये 7 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो एक जगह 20 रखा है, एक जगह 7 रखा है, और 20 और 7 भैया मेरे टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आंसर जो मेरा आएगा भाई मेरे, आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो जी भैया, मुझे उम्मीद है तुम्हें आंसर आ गया होगा। आ गया भैया आंसर, बोलो जी। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ो रहे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ो भैया। ये लीजिएगा, उम्मीद है आप सारे ही बच्चों ने बढ़िया तरीके का जवाब दिया है। आ जाओ जी, हरिंदर सिंह मेरा ही नाम है, मैंने ही अपने ऊपर क्वेश्चन बना लिया है। जब तक आप क्वेश्चन का फील नहीं लेंगे तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा भैया, तो फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, फील लो क्वेश्चन का, भूलेंगे नहीं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसका मतलब आप मेरे से नहीं पढ़े अभी तक, मेरे से ना पढ़े तभी आप ये सिचुएशन में हैं। आप एक बार एक टॉपिक कंप्लीट मेरे से पढ़ के देखो, भूल जाए तो भैया मैं अपने नाम को लेकर, मतलब मैं कहता हूं कि जो कहे मैं वो पूरा कर दूं, लेकिन बशर्ते कंडीशन एक ही है, पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक कंप्लीट पढ़ना है भैया। देखो जी, हरिंदर सिंह यानी आदमी धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा है अपोजिट डायरेक्शन, 72 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 108 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक 9 घंटे, प्रत्येक का मतलब समझ में आया, इस ईच वर्ड का मतलब समझ में आया, अरे बोलो भैया ईच वर्ड का मतलब समझ में आया, ईच वर्ड का मतलब है कि धारा की दिशा में जाएंगे तब भी 9 घंटे, 9 घंटे उसने चला रहा, विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तब भी वो 9 घंटे चलता रहा, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तब भी 9 घंटे चलता रहा, अपोजिट में जाएंगे तब भी 9 घंटे चलता रहा, चाहे वो डायरेक्शन में जा रहा है तब भी 9 घंटे चलता रहा, और अपोजिट में जा रहा है तब भी उसने 9 घंटे तैराकी की है। तो अब मेरा ये कहना है विपरीत के अंदर प्रत्येक वर्ड ने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम के अंदर क्या है 72 किलोमीटर, और अगर वो 9 घंटे में जाएगा तो यहां से स्पीड बन जाएगी दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हुई? अब अगर मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम की, धारा की दिशा में अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो 108 है, 108, और 108 डिवाइडेड बाई, 108 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, और 9 से कटेगा 12 बार, तो भैया मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 से कटेगा 12 बार तो भैया मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि धारा की गति बताओ, अरे धारा की गति बतानी है, आदमी की चाल ज्यादा होती है कि पानी की चाल, याद करो। आप बोलेंगे सर पानी की चाल तो कम होती है, और अगर कम वाली चीज निकालनी है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से भाग कर दो रे भैया, 12 माइनस 8 है 4 आ जाएगा,
12 माइनस 8 चार आ जाएगा, और 4 बटा 2, और 4 बटा 2 तो दोस्तों मेरा 2 आ गया, 4 बटा 2 तो भैया मेरे 2 आ गया, 12 माइनस 8 चार आ गया, और 4 बटा 2 2 आ गया है। बोलो जी बोलो। सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आता। भैया सब कुछ समझ में आएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ। अभी तक की कोई ऐसी बात हो आपको ना समझ में आई हो तो बोलो। अब तुमने कैसे किस डॉक्टर से इलाज कराया, और सर मेरा तो आज तक ये हाथ टूटे का टूटा ही रह गया, जुड़ा नहीं, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अब डॉक्टर के पास आए हो तो पुराने दुख दर्द को भूल जाओ और यहां के माहौल में अपने आप को फील करो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा, 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में। भाई मेरे 7.5 मिनट में आता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 7.5 मिनट स्पीड आ गया। इसको मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, 60 से भाग दे दो, 60 ऊपर चला गया तो 7.5 इसको काटेगा 8 बार, तो धारा की दिशा की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर 16 मिनट में, विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 16 मिनट में। और अगर ये 16 मिनट है, ये 1 किलोमीटर है, ये 16 मिनट है, इसको आप ऊपर कर दो, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 15 बार, तो भैया मेरे 15 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई मेरे 15 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा 15/4 किलोमीटर पर आवर, 15 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा की चाल है, ये धारा की विपरीत दिशा की चाल है, ये दिशा की चाल है, ये विपरीत दिशा की चाल है, 8 और 15/4। अब मेरा ये कहना है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 8 चौका 32, 32 15 47, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, तो ये 8 है भाई मेरे, ये 8 है, प्लस का 15/4, और 8 और 15/4 है, तो 4 अगर काटेगा तो 32 32 15 47, 47/4, 47/4 यही तो आएगा अनुकूल। 8 किलोमीटर, 8 × 7 = 56, और 4 = 60, और प्रतिकूल 16 है, तो 4 से जाएगा 15 बार, 4 से जाएगा 4 बार, तो भैया मेरे शांत जल में नाव की चाल बतानी है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो भैया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 47/4 है, इसको 2 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा सर 47/8, 47/8, और 47/8 अगर आ गया तो देख लो 8 × 5 = 40 और 7 = 47, तो मेरा आंसर आ जाएगा 47/8। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर मैंने मुश्किल कर दी, क्योंकि कैलकुलेशन का मुश्किल करना बड़ा जरूरी है। आ गया क्या, 2 से डिवाइड करें। आप लाइव कितने बजे आते हैं भाई, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, हरिंद्रा मैथ्स नाम से, आपको लाइव का टाइम पता चलता रहेगा। वैसे 1 बजे हम सिर्फ संडे को लाइव आते हैं, हम सिर्फ संडे को 1 बजे लाइव आते हैं, इसके अलावा हमारा लाइव का टाइम रहता है 2:00 PM और 4:15 PM। शाम को 4:15 PM सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा सिलेबस वहां पर कवर होगा। अनअकैडमी ऐप के ऊपर मुझे फॉलो कर लो और कंप्लीट सिलेबस को, किसी पेड बैच की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मुझे वहां पर पढ़ लिया। और फ्री क्लास है, मैं अभी बता रहा हूं, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पर कुछ टॉपिक्स पूरे कवर होंगे और अनअकैडमी ऐप के ऊपर फ्री में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। एसएससी एग्जाम को सिलेक्ट, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, एसएससी एग्जाम को सिलेक्ट करो, वहां पर मेरा नाम लिखो हरिंदर सिंह, मेरा फोटो आ जाएगा, उसको फॉलो कर लो। शाम को 4:15 PM रेगुलर क्लास होती है वहां पर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। आइए बढ़िएगा। एक साइकिल सवार हवा की दिशा में, हवा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी को 3 मिनट में, और हवा के विपरीत दिशा में वह दूरी, अपोजिट डायरेक्शन में वही दूरी 4 मिनट में तय करता है। तो साइकिल सवार पैडल हमेशा एक समान बल से लगाता है, तो शांत हवा की स्थिति को देखते हुए, कहने का मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन की दे रखी है, एक सेम डायरेक्शन की दे रखी है, और वो कहता है शांत जल की बता दो। एक अपोजिट डायरेक्शन का काम दे रखा है, एक
सेम डायरेक्शन का काम दे रखा है, वो कह रहा है शांत जल का बता दो। पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। इसका शॉर्टकट में आप ये मान लो मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर हम आंसर दे देंगे, लेकिन 1 मिनट मेरी बात को सुनना, तभी आप 4 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं 4 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो मेरी बात को पहले पूरा समझो। 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 3 मिनट में। आवर तो 60 से भाग, 60 से नीचे 60 है तो ऊपर 60 कर दो, 3 से काटेगा तो कितना बन जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा मतलब हवा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन 1 है डिवाइडेड बाय 4 और नीचे वाला चला गया 60, तो 4 से काटेगा तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, 15। 4 से काटेगा तो भैया मेरे ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये 20 और ये 15, सेम डायरेक्शन में स्पीड ये है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ये है। तो शांत जल में पहले स्पीड निकालो। शांत जल में अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो यहां निकालता हूं, स्टिल वाटर के अंदर अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो भैया मेरे दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 20 प्लस 15 35 और 35/2। तो शांत जल में आदमी की स्पीड आ गई, या शांत हवा में स्पीड आ गई। अब जब मुझे स्पीड आ गई तो आपको पता है मुझे टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम निकालना है और टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 35/2। स्पीड कितनी है, 35/2, नीचे वाला 2 को ऊपर कर दो। आवर में बनाना है, आवर में मतलब मिनट में बनाना है, तो इनटू में कर दो सर 60। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 से जाएगा 7 बार और 5 से जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24, तो भैया मेरे 24/7, और 24/7 का मतलब ये हो गया 3 सही 3/7, 24/7 का मतलब ये हो गया 3 सही 3/7, 3/3 by 7। ये है सर इसका पूरा का पूरा तरीका, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रेन के टॉपिक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और बोट एंड स्ट्रीम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कि एक धारा की दिशा में कोई चीज दे रखी है, एक चीज, एक धारा के विपरीत दिशा में कोई चीज दे रखी है, 2 चीज, और फिर हमसे शांत की पूछी है, ना तो चीज इधर जा रही ना चीज इधर जा रही, हमसे शांत की पूछी है। क्वेश्चन समझ गए? जब भी कभी ऐसा हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूज होता है डिस्टेंस और टाइम के अंदर। तो भैया मेरे ट्वाइस ऑफ 2 की स्पीड का फॉर्मूला क्या, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो भाई मेरे 4 3 12 और 12 2 24, 24/7 और 24/7, 24/7, 24/7 और 24/7 का मतलब समझते हैं 3 सही 3/7, 24/7 का मतलब समझते हैं 3 सही 3/7। ये लो जी पूरी राम कहानी को सेकंडों में जवाब दे दिया। बोलो भैया, पूरी राम कहानी को सेकंडों में जवाब दे दिया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। आते हैं सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और ये यहां से शुरू होता है पहला क्वेश्चन, मतलब टाइप नंबर 1। यहां से शुरू होती है टाइप 1, फर्स्ट टाइप यहां से शुरू होती है, डिस्टेंस निकालने की टाइप। ध्यान से पढ़ो, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई मेरे शांत जल में है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो 9 तो खुद की स्पीड से जाएगा और 3 उसको पानी ले जाएगा, 9 खुद की स्पीड से जाएगा 3 पानी ले जाएगा, तो जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते वक्त उसकी स्पीड है भैया मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हाँ या ना, हाँ। अब आदमी की स्पीड है 9, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो भाई मेरे 9 में से 3 गया तो भाई मेरे ये आ जाएगा 6।
अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 6। सेम डायरेक्शन में जाएगा 12, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 6। तो पहली चाल उसकी 12 है, दूसरी चाल उसकी 6 है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, वह एक स्थान से चलता है, वह ए से बी तक गया और वापस बी से ए तक आ गया। वह ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया, ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया, गया और आ गया, और कुल 15 घंटे लगे हैं। टाइम दे रखा है कुल 15 घंटे। तो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये बात सिखाई थी, मैंने ट्रेन के अंदर भी यही बात सिखाई थी, और अब मैं बोट स्ट्रीम में भी यही बात सिखा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस दो ही तरीके होते हैं, या तो कुल समय देगा या दोनों का अंतर देगा, कि जाने में लगा टाइम और आने में लगे टाइम का अंतर या कुल समय। तो अगर उसने टोटल टाइम दे रखा है तो कैसे करना है, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल, टाइम का टोटल कितना है 15। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाय स्पीड का टोटल, 12 और 6 का टोटल कितना आ जाएगा, 12 और 6 का टोटल भैया मेरे 18 आ गया। तो मैंने यहां से देखा 6 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा दोस्तों मेरे 5 बार, और 12 पंजा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। देखते देखते जवाब आ रहा है। इतनी राम कहानी को मैंने धीरे धीरे इसलिए समझाया कि आप बहुत बढ़िया तरीके से, आप बहुत ही आप बढ़िया तरीके से चीज को कवर कर पाए। सर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होता है दोस्तों, वो ट्रेन के अंदर होता है। यहां अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा के अंदर स्पीड प्लस हो जाती है क्योंकि वो हमको अपोज करता है। ये पानी की कहानी अलग है, हवा की कहानी अलग होती है। तो आप हवा की चीज को पानी की चीज के साथ मत जोड़ो। आप दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होता है, यहां आदमी और पानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। ये चीज मैं इस वीडियो के शुरुआत में आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। चलिएगा जी, अगला नंबर क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं हिंदी हिंदी के अंदर क्वेश्चन दिखा देता हूं, और वैसे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन कटा नहीं हुआ। कभी किसी को लगे कि सर, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे सेट इस तरीके से कर दिया कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर कट गया है क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। शांत जल में व्यक्ति की चाल है 5 और पानी की चाल है 1.5। तो भैया मेरे, जब वो जाएगा तो जाते वक्त उसकी स्पीड हो जाएगी 6.5। भाई मेरे, जब वो जाएगा तो जाते वक्त उसकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों 6.5, और जब ये वापिस आएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 5 में से 1.5 गया तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी 3.5। जाते वक्त स्पीड हो जाएगी 6.5, आते वक्त स्पीड हो जाएगी 3.5। कहने का मतलब 5 में से 1.5 घटा दो और यहां पर क्या होगा, 5 में 1.5 ऐड कर दो, 5 में 1.5 ऐड कर दो और 5 में से 1.5 घटा दो। सेम डायरेक्शन में धारा की दिशा, धारा की दिशा में ऐड कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा माइनस कर दो। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, वह बिंदु ए से गया बी तक धारा की दिशा में, और विपरीत डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में बी से ए तक आ गया, ए से बी तक गया और वापिस आ गया, ए से बी तक गया और वापिस आ गया। तो अगर गया और वापिस आ गया तो कुल कितने घंटा, इसने स्पष्ट लिखा कुल 1 घंटा। अरे भैया मेरे, कुल 1 घंटा, बोलो दोस्तों, कुल 1 घंटे का वक्त लगता है। तो पहली स्पीड, स्पीड 1 6.5 इंटू स्पीड 2 3.5, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, बोलो दोस्तों, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, बोलो भैया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में टाइम का टोटल, टाइम का टोटल 1 घंटा, और डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, 6 और 3 9, 9 और 1 10 आ गया,
पॉइंट हटाकर ये भी 10, पॉइंट हटाकर ये भी 10, तो यहां दोस्तों मेरे 100 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं 5 से कटेगा तो 13 बार आएगा, 5 से कटेगा तो 2 आएगा, 5 से कटेगा तो भैया मेरे 7 आएगा, और 5 से कटेगा तो भैया मेरे 20 आ जाएगा। तो 13 सत्ता 91, तो भाई मेरे ये आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 4 गुना 10, और 91 डिवाइडेड बाई 4 गुना 10, तो भाई मेरे 4 से भाग जाएगा तो 22.75, 4 से भाग जाएगा तो दोस्तों 22.75। और ये पॉइंट हटा दो यहां से, एक नीचे 10 है ना, तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन आ गया है 2.275 किलोमीटर, मेरा आंसर आ जाएगा 2.275 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 2.275 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। सर सापेक्ष चाल 2xy/2 से नहीं होगा, ये सापेक्ष चाल से क्यों हो जाएगा? वैसे अगर आप करना चाहें तो शांत जल की चाल निकाल दो और शांत जल की चाल को 1 घंटे से गुणा कर दो, ऐसा हो सकता है अगर आप निकालना चाहें तो। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने यही सेम तरीका ट्रेन में पढ़ा हुआ है, यही सेम तरीका समय दूरी टाइम डिस्टेंस में पढ़ा है, तो उसी एक तरीके से लेके आओ ना, बार बार तरीके बदलेंगे ना तो फिर रीजनिंग कैसे पूरी कर पाएंगे, बार बार तरीके बदलेंगे ना तो फिर इंग्लिश कैसे पूरी कर पाएंगे, बार बार तरीके बदलेंगे ना तो जीके कैसे पूरी कर पाएंगे, और बार बार तरीके बदलेंगे ना तो मैथ ही पूरा नहीं हो पाएगा भाई। मैं आपके फायदे के लिए जो एग्जाम के अंदर रेलिवेंट चीज है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है आपको ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने लग रही है। ये देखिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, और ज्यादा मतलब थोड़ी संख्याएं थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उम्मीद मुझे है कि आप बच्चे करके दिखाएंगे, आप बच्चे करके दिखाएंगे। सर आपको 1 लाइक नहीं, मैं 100 लाइक करना चाहता हूं। दोस्तों आप सभी का प्यार है, बस आप सीखो, लाइक करना शेयर करना तो मन की बात होती है, आप तो सीखो। क्योंकि मैं जब भी 1 घंटा पढ़ाने आता तो मेरा एक ही मतलब रहता है कि आज का 1 घंटा आपका यूटिलाइज हो जाए, 23 घंटे कुछ भी करो, मेरे साथ आप जितना समय बने रहेंगे उतना उतना आपको मजा आएगा। शांत जल में हरेंद्र सिंह की चाल 22.5, नदी में धारा की चाल 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर पर आवर का मतलब 18/5, 18/5 का मतलब आ जाएगा 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 9/2, और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो भैया मेरे धारा की चाल आ गई, इसको मैं लिख सकता हूं 9/2 किलोमीटर पर आवर या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड को सबसे पहले मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, इस बात का ध्यान रखो। इसने क्या बोला, हरेंद्र सिंह की शांत जल में चाल है, इसे किसी स्थान तक जाने और वापिस आने, जब वह ये गया और वापिस आ गया, भाई मेरे गया और वापिस आ गया, जाने और वापिस आने में कुल समय, तो कहते हैं कि 22 और 4 26 और 1 27, तो जाने का समय आ जाएगा 27, मतलब जाते वक्त स्पीड आ जाएगी 27, आते वक्त स्पीड कितनी आ गई, 22 में से 4 गया तो 18, speed 1 into speed 2, आते वक्त स्पीड कितनी आ जाएगी 18, speed 1 into speed 2, speed 1 into speed 2, इंटू में टाइम का टोटल, जाने और वापस आने में कुल घंटे, speed 1 into speed 2, इंटू में टाइम का टोटल, टाइम का टोटल है 20, डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, तो आ जाएगा दोस्तों 45। कट कर दो यार, कट कर दो ना भैया, अगर आप कट कर पा रहे हैं तो, 9 पंजा 45, 9 दूनी 18, 5 चौका 20, तो 4 दुनी 8 तो 27 8 216, आंसर मेरा आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर, आंसर मेरा आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप पहले इसकी स्पीड निकालते 2xy/x+y से, तो देखो बड़ा पड़ता, सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है। उम्मीद है आपको ये बात बढ़िया और बहुत बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ गई। ये लीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं,
हिंदी के अंदर बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। शांत जल में आदमी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी स्थान तक जाने और आने में लगने वाले समय का अंतर दे रखा है। अधिक का मतलब अंतर ही तो होता है, अधिक का मतलब अंतर ही तो होता है, कहने का मतलब जाने में लगा समय और कहने का मतलब आने में लगा समय। अरे जाने में लगा समय, आने में लगा समय, तो अंतर दे रखा है। ये कह रहा है कि यहां अगर x घंटे लगे हैं तो भैया मेरे आने में x प्लस 6 घंटे लगे हैं, अगर जाने में उसको x घंटे लगे हैं तो आने में x प्लस 6 घंटे लगे हैं। तो ये अंतर ही तो होता है, डिफरेंस ही तो होता है। तो आगे से जब भी वो अधिक की बात करे तो आपका दिमाग किस बात पर काम करेगा? अंतर। जब ये जाने आने वाली जो बात चलती है ना, किसी जगह गया और आ गया, तो वहां पर दो ही चीज होती है, या तो वो टोटल पर काम करवाएगा, या तो वो टोटल पर काम करवाएगा या वो डिफरेंस पर काम करवाएगा, या तो वो टोटल पर काम करवाएगा या वो डिफरेंस पर काम करवाएगा। बोलो दोस्तों, अगर बात क्लियर है तो आप बोलेंगे जी सर मुझे बात क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, जाते वक्त स्पीड 7 और 3 10, आते वक्त स्पीड 7 माइनस 3 4, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। जाते वक्त स्पीड है 7 और 3 10, आते वक्त 7 माइनस 3 4, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में डिफरेंस, इंटू में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 6, डिफरेंस कितना है 6, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये डिफरेंस। तो दोस्तों 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो भैया मेरे कितना बन जाएगा 40, 6 से 6 कट गया तो दोस्तों मेरा कितना बन जाएगा 40। बोलो अगर आपको बात क्लियर हुई तो। मुझे उम्मीद है जो बच्चे शुरू से बहुत बढ़िया तरीके से मेरी बात को सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आसानी से बात समझ में आ गई। बस टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, टेंशन नहीं लेना। टेंशन कभी भगवान शिव जी ने नहीं ली, आप क्यों लेंगे? बच्चा क्या करता ना, तैयारी के दौरान टेंशन में आ जाता है, टेंशन ना लेना भाई मेरे। आपको कभी पता है, अभी कुछ महीनों पहले, मतलब दो लगभग डेढ़ दो महीना डेढ़ एक महीना पहले आप मान के चलो, सावन का महीना था, और सावन के महीने में क्या था कि या तो उसके ऊपर धतूरा हम चढ़ाते हैं, या जो मतलब भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। और भैया क्यों चढ़ाते हैं, कभी सोचा इस बात को? देखो जी, आपको एक बहुत ज्ञानवर्धक बात मैं बताता हूं, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार ऐसा मन कर जाता, जब मन खुश होता है तो मन कर जाता कि चीजें आपको बताएं। पता है मन को दो ही स्थिति में केंद्रित किया जा सकता है, पहली स्थिति है ध्यान लगाकर केंद्रित करना, यानी भगवान शिव जी ध्यान लगाकर केंद्रित करते हैं चीज को, तो वो इस बात का प्रतीक है। दूसरी स्थिति है नशे के द्वारा मन को केंद्रित करना। जो लोग नशा करते हैं, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा कि वो कुछ वक्त के लिए पूरी दुनियादारी को भूल जाते हैं, कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं, और कुछ वक्त के लिए भूलकर सब कुछ पता नहीं कहाँ रहते हैं, और उसके बाद मतलब वो भूलने का मतलब भाई अपने दुख दर्द सब जो अंदर समेटे हुए थे उनको छोड़ दिया हमने। किसी चीज को भूलने का मतलब यही तो होता है कि हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम उसके प्रति क्या प्रतीक होता है कि भगवान आप जो ये नशीली चीजें हैं ये आप ले लो, ये दान करने का मतलब यही है, ये नशीली चीजें आप ले लो और ये ध्यान वाली शक्ति हमें दे दो रे भैया। तभी तो उनको ऐसे बैठे बैठे नजर आती है उनकी वो चीजें। भैया टेंशन नहीं लेना, जब भी कोई सिचुएशन आपके विपरीत होती है ना, तब भी आप टेंशन मत लेना, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए दोस्त, आप चमकेंगे ही चमकेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैंने 4 बार सिलेक्शन लिया है, उसके पीछे रीजन यही है कि काम के ऊपर लगातार लगे रहे, लगातार लगे रहे, लगातार लगे रहे, वो एक दिन आपका सफल आपको बनाई देगी। अगर विपरीत परिस्थिति में कोई परेशान होता है तो इसका मतलब है कि वो खुद का ध्यान केंद्रित, ध्यान हट जाता है। आप सोचो, भगवान शिव जी बोला जाता है चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा उनके, चंद्रमा में अमृत है बोलो भैया, और गले में विष है। एक जगह अमृत है और एक जगह
विष है, दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं, टेंशन नहीं लेना भाई। त्रिनेत्र बोला जाता है, तीन नेत्र यानी जहां आग है विनाश है, अगर त्रिनेत्र खुल गया तो आग निकलेगी, आग बहुत गर्म चीज। और जटाओं में दोस्तों मेरे पानी है, पानी जटाओं में भैया मेरे पानी है, गंगा जी का वास है, यानी कि आग और पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, आग पानी एक साथ। भाई मेरे गले में सांप है और उनके एक बेटे हैं जो अभी चला भी हुआ है ये फेस्टिवल सीजन में, गणेश जी। और गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा, गणेश जी का वाहन है चूहा। तो सांप चूहे को खा सकता है, लेकिन दोनों को मैनेज किए हुए हैं। कैसे मैनेज किया? उनका एक और बेटा है कार्तिकेय, और कार्तिकेय का वाहन है मोर, कार्तिकेय का वाहन है मोर। तो मोर चूहे को कहता है कि भैया टेंशन मत ले, जैसे ये उतर के आएगा मैं तुरंत काम कर दूंगा इसका। भाई मेरे आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, सांप मोर एक साथ। दोस्तों शिव जी का, भगवान शिव के जो वाहन है वो नंदी बैल, और माँ भवानी, माँ पार्वती, माँ भवानी का जो वाहन है वो है सिंह, शेर। शेर और बैल एक साथ है, शेर और बैल एक साथ है। शमशान घाट पर किसका विराजमान माना जाता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, शमशान घाट पर किसका विराजमान माना जाता है? भगवान शिव जी का ही माना जाता है। और शमशान में हम क्या कहते हैं कि वहां पर भूत विराजमान होते हैं। और भैया मेरे आपको ध्यान होगा, जहां पर हवन होता है वहां पर भूत नहीं होते हैं, और हवन की जो सामग्री होती है उससे निकलता है भभूत। तो हम जब भी कभी किसी सुनसान रास्ते जाते हैं, आप गांव से बिलोंग करते तो हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें क्या बताती हैं कि थोड़ी सी राख को चाट जाओ, थोड़ी सी राख को चाट जाओ और चले जाओ, तुम्हारा पीछा कोई गलत शक्ति नहीं करेगी। तो यानी कि उस राख में वो ताकत है कि भूत को वो पास नहीं आने देती, पूरे शरीर पर मल के रखते हैं भभूत, और शमशान घाट में विराजमान उनका है तो रहते हैं साथ भूत। तो भाई मेरे पानी आग एक, विष अमृत दो, सांप चूहा तीन, सांप मोर चार, भूत बभूत पांच, और शेर और बैल छह। इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो क्या बोलते हैं, ध्यान लगा कर रहिए, चीज में आप हमेशा अग्रणी रहेंगे, आप हमेशा अबू में रहेंगे। तो उम्मीद मुझे है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, चलिएगा ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात कि परेशान नहीं होना है भैया, बिल्कुल भी, चाहे कोई सिचुएशन हो परेशान ना होना। तो थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि जीएस के टॉपिक की तरफ चले गए थे, तो अब अपन वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। एक भाई लिख रहा है, कितनी अच्छी लैंग्वेज है, बिल्कुल सर जी, सर क्या बकवास है, रवि सिंह ऐसा लिख रहा है। ऐसी ऐसी नेगेटिव शक्तियों से भी दूर रहो दोस्तों, क्योंकि वो जो नेगेटिव लोग ही आपकी बैंड बजा देंगे भैया, क्योंकि इनको कुछ सफेद दिखाई नहीं दे सकता, ये अपने आप को न्यूटन से कम नहीं समझते, और बेरोजगारों की भीड़ इन्हीं में से निकल कर आती है। जो भाई मेरे अपने गुरु की बात को, अपने टीचर्स की बात को, अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानकर चलता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पाके बैठा है। ये भाई ये अपने आप को बहुत तेज समझ रहा है। अगर ये ऑफलाइन में होता तो मैं इसके अभी मेरे सामने ही बैंड बजाता, लेकिन ये भाई ऑनलाइन में है तो इसको मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि इसको सद्बुद्धि आ जाएगी तो उस दिन समझ में आ जाएगी। कहानी की टेंशन ना लेना भाई, ले ले मेरी तरफ से क्या है, मैं कहता हूं सारी दुनिया की टेंशन ले, मेरा क्या जाना है उसमें। मैंने अभी जो बात मैं समझा रहा था तुम्हें यही नहीं समझ में आई भाई रवि, कि मैं किस बात को लेके समझा रहा हूं। मैं भैया इस बात को लेके समझा रहा था कि टेंशन नहीं लेना, चीज ध्यान ध्यान करते रहो, 5-10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करो और अपने काम पे लगे रहो, 100% सक्सेस आ जाएगी। मेरा समझाने का मतलब ये था। अब भैया तुम्हें समझ तो आती नहीं है, दिमाग में तुम्हारे दिमाग थोड़ी भरा है, दिमाग में तुम्हें पता है क्या भरा हुआ है?
मुझे वो शब्द बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो भैया दिमाग में डैश भरा हुआ है, तो भैया सोचोगे भी वैसे ही, और जैसा दिमाग में होता है वैसा ही बाहर निकलता है। गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, तो भैया जो तुम्हारे मुंह से जो ये निकल रहा है ना डैश, तो उसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में भी डैश भरा हुआ है। तो तुम जैसों से भिड़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी तरफ से तू टेंशन ले, दबा के टेंशन ले, मत कर मेडिटेशन, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा, तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको लगी है, बताइए हम किस टाइम पढ़ाते हैं, सुबह से लेके शेड्यूल बताना। बोला कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे तो अगर तुम्हें तो अगर मेरी क्लास में भी तुमको टाइम वेस्ट लग रहा है ना, तो तुम्हें फिर जिंदगी में यूट्यूब पर कोई तुम्हारा टाइम सफल नहीं बना सकता है। मैं लगातार 47 या 48 मिनट तक लगातार पढ़ाया है। अब बीच में भैया बात बतानी भी पड़ती है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो मन करेगा हम तो भैया वैसे ही करेंगे। तुम्हारा मन करे तो पढ़ो, मन करे तो ना पढ़ो, चलिएगा भाई मेरे। देखिएगा कोई बात नहीं, आज आ जाइएगा। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है 6 और धारा की चाल है 2। अब यहां से थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, मैं इधर से। अब शांत जल में चाल है 6 और ये है चाल 2। अगर आप एक स्पीड इधर जाएंगे तो 6 और 2 जाते वक्त स्पीड आएगी मेरी 8। अगर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो जाते वक्त स्पीड 6 में से 2 गया भैया मेरे 4। तो धारा की दिशा में स्पीड है मेरी 8, विपरीत दिशा में स्पीड है मेरी 4। धारा की दिशा में स्पीड है मेरी 8, विपरीत दिशा में स्पीड है मेरी 4। तो जाते वक्त स्पीड है दोस्तों 8, आते वक्त स्पीड है दोस्तों मेरी 4। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का डिफरेंस, उसने क्या बोला, धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक। अधिक का मतलब डिफरेंस होता है, अभी मैं समझा के आया हूं, अधिक का मतलब डिफरेंस होता है। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में डिफरेंस, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 इंटू में टाइम का डिफरेंस, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 4 ही तो है, स्पीड का डिफरेंस 4 ही तो है, तो भैया मेरे 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका हो जाएगा 32। 8 चौका हो जाएगा 32, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन। बोलो भैया बोलो, आइएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब यहां से टाइप बदलेगी तो मुझे लगता है हमको कल करना चाहिए, टाइप बदली हुई टाइप को, तो एक टाइप मैंने आपको पूरी करवा दी है। अभी शाम को 4:15 सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, कोशिश करो आप सारे ही बच्चे लोग, बड़ी अच्छी क्लास होती है, फ्री क्लास है, सबसे बड़ी बात है फ्री क्लास है। कहां पर है सर, ये है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ये यूट्यूब पर नहीं होगी, ये वाली क्लास अनअकैडमी ऐप के ऊपर है। तो हम सर आपको कैसे फॉलो करें, आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सर्च में वो बोलेगा सेलेक्ट गोल, वो बोलेगा भैया सेलेक्ट गोल, तो गोल में आप SSC सेलेक्ट कर देना, वहां पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च में मेरा नाम लिख देना, सर्च में मेरा नाम लिख देना हरिंदर सिंह, हरिंदर सिंह मेरा नाम लिख देंगे अगर सर्च में तो मेरा फोटो नजर आ जाएगा, उसको भैया मेरे फॉलो कर लेना, ताकि आगे जब भी क्लास आएगी, जैसे किसी चैनल को फॉलो करते हैं सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उस नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई पैसा नहीं लगना इस चीज में, फॉलो कर लेना। और 4:15 पूरा सिलेबस करा रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस, ये जो 4:15 वाला बैच है अभी 3 दिन पहले ही मैंने शुरू किया है, 3 दिन पहले शुरू किया है, 4:15 पहले टॉपिक से लेके आखिरी टॉपिक, हाई लेवल कंटेंट, बहुत मजेदार कंटेंट, यूट्यूब पे भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, फ्री क्लास है। यूट्यूब पर मेरी क्लास शाम को 3 बजे आती है, और वहां पर मेरी क्लास भैया मेरे इस तरीके से आती है। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। संडे को हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया सर, पिछले क्वेश्चन को फॉर्मूला प्लीज बता दो दोबारा, कुछ पुराने वीडियो जाके देख लो, वहां पर मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और भगवान आप सभी को बहुत बहुत तरक्की दे, मेरी तो यही दुआएं हैं। तो दोस्तों चलिएगा, कल मुलाकात होती है आप सभी बच्चों से, और आज 4:15 जो भी बच्चा आना चाहता है, फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा चला हुआ है।
सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा चला हुआ है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा, ओहो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा चला हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।